संश्लेषीकरण के तृतीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अधिशोषण तकनीक आती है, ये कॉलम में भी करी जा सकती है और बीकर में भी। यदि हम इसे बीकर में करते हैं तो इसमें अशुद्धि प्रोटीन, जो अशुद्धिकारक प्रोटीन है उन्हें पृथक करने के लिए करते हैं, जिससे जो विलयन में डालते हैं बीकर में जिसमें अधिशोषक उपस्थित है तो वो अशुद्ध प्रोटीनों को अधिशोषित कर लेता है और क्लियर सुपरनेटेड मिलता है जिसमें प्रोटीन उपस्थित होती है, जिसे अगले चरण में पायलट टेस्टिंग के बाद उपयोग में लाया जाता है। परंतु यदि अधिशोषक एंजाइम प्रोटीन से बाइंड करता है तो प्रायः हम कॉलम क्रोमैटोग्राफी के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और फिर जब हमारी एंजाइम प्रोटीन इससे जुड़ जाती है तो आयनिक क्षमता परिवर्तित करके उसे कॉलम से रूट आउट कर सकते हैं। फिर अगले प्रकार की जो कॉलम क्रोमैटोग्राफिक तकनीकें हैं वो इस प्रकार से हैं। ये बहुत ही अच्छी तकनीक है जिनके द्वारा बढ़िया सेपरेशन हो सकता है, इफेक्टिव मेथड है। सबसे पहले जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी, यहाँ पे प्रोटीन का पृथक्करण उनके आकार एवं आकृति के आधार पर होता है। ये प्रायः अंतिम चरणों में, प्रोटीन शुद्धिकरण के अंतिम चरणों में इस तकनीक का उपयोग होता है। जो बहुत बड़ी प्रोटीन है या बहुत छोटी प्रोटीन है वो सरलता से इस तकनीक के द्वारा पृथक हो जाती है, क्योंकि सबसे छोटी प्रोटीन सबसे धीमे गति से गमन करती है कॉलम में और सबसे बड़ी प्रोटीन सबसे अधिक गति से क्रोमैटोग्राफिक कॉलम में गमन करती है, इसलिए उनका पृथक्करण सरलता से हो सकता है। इस तकनीक में सेफर्डेक्स या इसी प्रकार के मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी है। इसमें ऐसी परिस्थितियां हम निर्मित करते हैं जिससे हमारे अधिकतर प्रोटीन्स आयन एक्सचेंजर से जुड़ सकें आरंभिक परिस्थितियों में, और जब एल्यूट करते हैं तो ग्रेडियंट एल्यूशन करते हैं, एक एक प्रोटीन को एल्यूट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दो प्रकार के एक्सचेंजर्स होते हैं, कैटायनिक एक्सचेंजर जैसे कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इसमें फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज है और ये एक्सचेंज जो करता है, विनिमय जो करता है वो धनात्मक आयन्स का करता है। इसका पीके 4 है और इसके द्वारा हम उदासीन या क्षारीय प्रोटीनों का पृथक्करण कर सकते हैं। दूसरा है DEAE, इसमें जो फिक्स चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो वो विनिमय कर सकता है वो ऋणात्मक आवेशों का विनिमय कर सकता है। इसका पीके अबाउट 9.5 है और इसके द्वारा हम उदासीन या अम्ली प्रोटीन्स का पृथक्करण कर सकते हैं। प्रोटीन्स जो हैं उनका हम एल्यूशन, जो हमारे बेसिक प्रोटीन्स हैं उनमें धनात्मक आवेश होता है, तो जब वो जुड़ती हैं तो हम जब पीएच चेंज करते हैं तो उनके ऊपर आवेश पृथक हो जाते हैं और पीएच बढ़ाते हैं तो उन पर ऋणात्मक आवेश आते हैं और इस तरह से वो एल्यूट आउट हो जाती हैं। इसी तरह से हम आयनिक क्षमता लवण सांद्रता बढ़ाकर भी प्रोटीन्स का एल्यूशन कर सकते हैं। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, ये दो प्रकार की होती है, डाई लाइगेंट और बायो लाइगेंट। डाई लाइगेंट क्रोमैटोग्राफी में कुछ डाइस हैं जैसे कि सिल्वरक्रॉन येलो रंजक है जो कि बाइंड कर सकते हैं अनआयनिक बाइंडिंग साइट एंजाइम में जो उपस्थित होती है उससे बंधन करते हैं। ये प्रायः उन एंजाइम्स के शुद्धिकरण के लिए उपयोग में लाते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स का बंधन करती हैं, जैसे डीआरएनए सिंथेटेसिस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस, डीएनए पॉलीमरेसिस इत्यादि। प्रोटीन्स का जो एल्यूशन है वो हम बायोलाइगेंट्स के द्वारा करते हैं, जैसे एनएडीपीएच या एनएडीपी प्लस का उपयोग करके, या फिर लवण सांद्रता बढ़ाकर प्रोटीन का एल्यूशन कर सकते हैं। बायोलाइगेंट एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में हम किसी बायोलाइगेंट का उपयोग करते हैं जो कि मैट्रिक्स से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और ये लाइगेंट से प्रोटीन्स एंजाइम प्रोटीन अब्जॉर्ब होती है उस पर और डिजॉर्ब होती है, तो परिस्थितियां बदलने पर हम एंजाइम को एल्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा लाइगेंट का चयन करते हैं जो उस प्रोटीन के लिए विशिष्ट हो, जैसे बायोटिन के लिए एविडिन है, एविडिन प्रोटीन विशिष्ट होती है, इसी तरह से एंटीजन के लिए एंटीबॉडी विशिष्ट होती है, तो उनका उपयोग करके पृथक्करण कर सकते हैं। एल्यूशन के लिए या तो हम पीएच या आयनिक क्षमता में परिवर्तन करते हैं या एफिनिटी एल्यूशन का उपयोग करते हैं। इसमें ऐसा लाइगेंट का चयन करते हैं जो बंधित लाइगेंट से अधिक आकर्षण एंजाइम के लिए रखता हो। फिर एचपीएलसी है, इसमें
हम सब जानते हैं एचपीएलसी में जितना फाइनर मेश साइज होगी या सरफेस एरिया मैट्रिक्स का अधिक होगा उतना अच्छा पृथक्करण होगा, उतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा पदार्थों का जो पृथक हो रहे हैं। तो जितने छोटा मैट्रिक्स होगा उतनी थ्योरेटिकल प्लेट्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो इस कारण से बफर का जो प्रवाह है कॉलम में वो धीरे गति से होगा। अब पंप्स बन गए हैं जिनकी सहायता से हम फ्लो रेट को बढ़ा सकते हैं। एचपीएलसी कई प्रकार की हो सकती है, जेल फिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज, नॉर्मल फेस, रिवर्स फेस, एफिनिटी इत्यादि। इनमें से कोई भी तकनीक जो हमारे प्रोटीन के साथ जिसके द्वारा हमारी प्रोटीन सरलता से पृथक हो सके उस तकनीक का उपयोग करके हम प्रोटीन्स का पृथक्करण कर सकते हैं। यहाँ पे जेल फिल्ट्रेशन का डायग्राम दिया है, जो जब कॉलम में डालते हैं तो जो छोटी साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे गति से गमन करते हैं, बड़ी साइज के मॉलिक्यूल्स अधिक तीव्र शीघ्रता से गमन करके पहले निकलते हैं। और एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में जो लाइगेंड है उसके जो अनुरूप एंजाइम होगी वही उससे जुड़ पाएगी, बाकी नहीं जुड़ पाएंगे, तो इस तरह से उनका पृथक्करण होता है। तो ये लाइगेंड इस एंजाइम को बंधित कर रहा है, बाकी अणु को नहीं, तो वो निकल जाती है, इस तरह से शुद्धिकरण होता है।